गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज सब्जेक्ट विकास मैथ्स मैजिक वर्कबुक स्टैंडर्ड वन आफ्टर यूनिट टेस्ट थ्री। टुडे वी विल लर्न अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, नंबर्स। हम नंबर 1 से 50 तक के जो नंबर्स है वो सीख चुके हैं। आज हम न्यू सीखेंगे जो 51 से आपको 100 तक सीखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट अंडरस्टैंड, यानी कि आपको ये समझना है जो लिखा हुआ है वो आपको देखना है और समझना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 5 tens and 1 ones। हम सीखे हैं ना पहले भी इसी तरह से। 5 tens यानी कि जो ये रिंग आपको दिखाई दे रही है उसमें जो बीट्स है वो कितने हैं, 5 tens यानी 50, और एंड 1 ones यानी +1 किया हुआ है यानी होगा 51। ओके, उसी तरह से यहाँ पे देखो, जैसे 5 tens and 2 ones, देखो ये 5 tens है +2 ones लिखा हुआ है, तो कितने होते हैं, 50 plus 2 52। देखो 52 यहाँ पे स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है। उसी तरह से 5 tens and 3 ones, यानी कि देखो ये जो रिंग्स है उसमें जो बीट्स है वो 15 बीट्स है, उसे पूरे 5 tens बोलते हैं, +3 ones यानी ये 1 2 3, तो कितने होते हैं, 53। देखो 50 plus 3 53। ओके, देखो उसी तरह से 5 tens and 4 ones यानी 54, 50 plus 4 54। उसी तरह से 5 tens and 5 ones यानी कि ये जो 5 rings है वो tens के bits के बने हुई एक ring है, और यहाँ पे 5 जो balls है bits है वो अलग से है, तो वो कितने होते हैं, 55, 50 plus 5 55। चलो अब यहाँ पे आगे देखो, 5 tens and 6 ones यानी 56। तो देखो ये जो रिंग है उसमें जो बीट्स है वो कितने हैं, 5 tens यानी 50। ओके, और प्लस ये 6 जो बॉल्स है बीट्स है वो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 50 plus 6 56, ये उसका स्पेलिंग है। चलो आगे देखें, 5 tens and 7 ones यानी ये 5 tens है प्लस यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 बीट्स हमने क्या किए, ऐड किए, तो कितने होते हैं, 50 plus 7 57, 57 ये स्पेलिंग है उसका। चलो अब देखो आगे, यहाँ पे 5 tens and 8 ones यानी कि यहाँ पे जो 5 tens है उसमें कितने ऐड करने हैं हमें, 8 ones यानी 8 bits ऐड करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने होते हैं, 58। देखो 50 plus 8 is equal to 58, ये उसका स्पेलिंग है। 5 tens and 9 ones यानी ये 5 tens है, हम अब कितने ऐड करेंगे इसमें, 9 ones यानी 9 bits ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने मिलेंगे हमें, 59। देखो 50 plus 9 59, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो 5 tens नहीं लिखा है, कितना लिखा है, चलो ये 59, और अब लास्ट में आएगा देखो 6 tens यानी कि 6। चलो 6 ten का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो 5 जो rings होती है वो 5 tens की रिंग तो है प्लस 1 rings हमें ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पे जो 10 bits से बनी 5 rings है उसमें हम एक रिंग और ऐड करेंगे जिसमें भी कितने होंगे, 10 bits होंगे, 50 यानी कि ये प्लस 10 यानी ये, 50 plus 10 is equal to 60। तो हमें समझ में आया, 6 tens यानी कितना होता है, ये जो बीट्स की रिंग है वो 6 होगी, देखो 1 2 3 4 5 plus add किया 1, तो 6 हुई ना, तो उसी तरह से ये 50 plus 10 60, तो यहाँ पे ये 60 का स्पेलिंग है। चलो तो अब आपको समझ में आया ना, 5 1 51, 5 2 52, 5 3 53,
5, 4, 55, 5, 5, 56, 57, 57, 58, 59, 59 और 60, 60। चलो आगे देखें। चलो आगे की एक्टिविटी है ट्रेस एंड राइट द नंबर फ्रॉम 51 to 60। यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो डॉट डॉट किए हुए नंबर्स लिखे होंगे आपकी बुक में, उसमें आपको पेंसिल से उसे डार्क बनाना है और साथ में उसे बोलना भी है। देखो 51 51 52 52 53 54 54 55 56 57 57 58 58 59 59 और 60 60। चलो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो कैसे लिखना है आपको, जैसे यहाँ पे 51 लिखा है तो आफ्टर कौन सा नंबर आएगा, 52। तो ये मैंने लिखा 52 52। अब 53 53, 54 54, 55 55, 56 56, 57 57, 58 58, 59 59 और 60 60। तो आपको समझ में आया। इसी तरह से आपको क्या करना है, ये जो तीन लाइन है नीचे वो देख देख कर कंप्लीट करनी है, ये आपका होमवर्क रहेगा। चलो सेकंड एक्टिविटी है रीड अलाउड एंड राइट। देखो आपको क्या करना है, ये जोर से पढ़ना है और यहाँ पे वही सेम जो लिखा है वो देख देख कर यहाँ पे लिखना है। इसे कैसे बोलते हैं हम, 50 + 1 = 51। तो देखो आपको यहाँ पे कैसे लिखना है, 50 + 1 = 51। इसी तरह से 50 + 2 = 52। तो आपको यहाँ पे देख देख कर सामने लिखना है, 50 + 3 = 53, 50 + 4 = 54, 50 + 5 = 55, 50 + 6 = 56, 50 + 7 = 57, 50 + 8 = 58, 50 + 9 = 59, and last में 50 + 10 = 60। समझ में आया ना। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे सामने जो लिखा है वही देखकर लिखना भी है और बोलना भी है। मैंने आपको बोल के दिखाया तो उसी तरह से आप भी बोल बोल कर यहाँ पे लिखना। ओके आगे देखें नेक्स्ट एक्टिविटी। चलो अब यहाँ पे आगे देखो 5 tens and 2 ones। तो कितने होते हैं 5 tens और 2 ones, 52। 5 और 2 लिखोगे तो साथ में एक नंबर मिलेगा हमें, तो वो नंबर क्या हुआ, 52। तो आपको ये देखकर इसी तरह से ब्लैंक जो आपकी बुक में जगह है उसमें लिखना है। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख कर रखा है 5 tens and 3 ones, 53। तो देखो यहाँ पे 5 tens and 3 ones मैंने लिखा है ना। चलो अब आगे देखो 5 tens and 7 ones। तो कितने होते हैं 5 tens और 7 ones, 57। ओके चलो तो देख के यहाँ पे वो ही लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। चलो अब देखो 5 tens and 8 ones, तो कितने होते हैं 58, है ना। तो आपको देख देख कर यहाँ पे वो लाइन लिखनी है। चलो अब यहाँ पे देखो 6 tens, देखो यहाँ पे पीछे कोई नंबर्स नहीं है, सिर्फ 6 लिखा है, तो 6 tens कितने होते हैं 60, 6 tens 60। ओके चलो तो ये देखना है, देख देख कर आपको यहाँ पे लिखना है। जो जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है उसी तरह से आपको भी घर से कंप्लीट करना है। समझ में आ गया ना, आपका होमवर्क भी आपको समझ में आया। ये जो तीन लाइन है वो आपको ऊपर जो नंबर लिखे है वो देख कर लिखने हैं, फिर यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं वो सामने
ब्लैंक जो पेज जगह है उसमें लिखना है आपको, और ये जो 5 tens और 2 ones ऐसे लिखा हुआ है तो वो आपको देखकर यहाँ पे लिखना है। ओके,